The question is, we have to integrate the function which is mod of x minus 5 between the limit 2 to 8. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो आपके पास है, दैट इज 2 to 8, दैट इज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड द फंक्शन इज मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू dx. ठीक है, अब देखिए अगर आप गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि फंक्शन के ऊपर मॉड लगा हुआ है और हमारे पास डायरेक्टली तो कोई भी प्रोसेस नहीं है कि हम मॉड वाले फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर पाए. तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस मॉड वाले फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा. इसके लिए वी नीडेड द प्रॉपर्टी, और तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ही समझा देता हूँ कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या है. अगर आपके पास एक फंक्शन का मॉड आप ले रहे हैं, दैट इज आवर मॉड ऑफ एक्स, देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उस नंबर का जो मॉड है वो डायरेक्टली एक्स के बराबर होता है, लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड है जब एक्स आपका जीरो या जीरो से ज्यादा हो. और मॉड ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो. तो बेसिकली मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो x माइनस 5 नंबर है ये नेगेटिव कर्व है और पॉजिटिव कर्व है. तो ऑब्वियसली बात है, एक छोटा सा आइडिया आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू 5 से ज्यादा यूज करेंगे तो जो x माइनस 5 है ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी, और x की वैल्यू अगर आप 5 से कम यूज करेंगे तो x माइनस 5 नेगेटिव बनेगा. इट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 5 को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस 5 से इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5. रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि जब x आपका 5 या 5 से ज्यादा है तो x माइनस 5 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इनकेस अगर आप इसका मॉड लेंगे तो डायरेक्टली आप इसे x माइनस 5 लिख सकते हैं बिकॉज इट इज पॉजिटिव. और इनकेस अगर x आपका 5 से कम है तो मॉड ऑफ x माइनस 5 ये इक्वल होगा माइनस ऑफ x माइनस 5 के. तो चलिए, हमने मॉड को तो ब्रेक कर लिया है, अब हम लोग इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप इसे इंटीग्रेट करेंगे कैसे. तो सबसे पहले मैं ये जो 2 टू 8 आपको जो लिमिट दे रखी है, मैं इस लिमिट को दो पार्ट में स्प्लिट करने जा रहा हूँ, और जो पहला ब्रेक है वो हम देने जा रहे हैं 5 यूनिट पे. उसका रीजन ये है क्योंकि 5 के बाद ही ये फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, दैट इज आई इज योर द लिमिट इज बिटवीन 2 टू 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx प्लस दैट इज इंटीग्रल 5 टू 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू डीएक्स के. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास लिमिट 5 से कम है तो आप मॉड ऑफ x माइनस 5 को ब्रेक कर सकते हैं, और ये क्वांटिटी बनेगी माइनस ऑफ x माइनस 5 इंटू डीएक्स, या फिर सेकेंड वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं 5 टू 8 एंड दैट इज x माइनस 5 इंटू डीएक्स. ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें. नाउ इट इज योर माइनस, अगर मैं x माइनस 5 को इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, और बेसिकली मुझे इस फंक्शन की अब लिमिट फीड करनी है विच इज 2 टू 5. इसके बाद सेकेंड टर्म, अगर मैं x माइनस 5 की बात करूं तो इसका इंटीग्रल भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x ही आपको मिलेगा, और लिमिट आपके पास है 5 से लेके 8 तक. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज आई इज योर माइनस ऑफ, दिस विल बिकम 25 अपॉन 2. फर्स्ट टर्म आपका 25 अपॉन 2 बनेगा, अगला माइनस के 25 बनेगा. ये आपकी अपर लिमिट की वैल्यू है. फिर लोअर लिमिट को चेक कर लेते हैं. ये आपके पास है 4 अपॉन 2 माइनस, इसको आप 10 लिख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. अब सेकेंड पार्ट में जब मैं लिमिट सबमिट करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द अपर लिमिट, ये बनेगा 64 अपॉन 2 माइनस 40, है ना, ये अपर लिमिट की वैल्यू है. और लोअर लिमिट अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो ये बनेगा 25 अपॉन 2 माइनस के 25 के. चलिए फर्दर सॉल्व करें. द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट आई इज योर, चलिए ये बनेगा माइनस ऑफ 25 बाय 2 माइनस 25 को आप सिंपली माइनस के 25 अपॉन 2 फिर से लिख सकते हैं. इसके बाद ये बनेगा माइनस के 2, दैट इज माइनस 2 प्लस 10. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 64 अपॉन 2 आप इसे 32 लिख सकते हैं, माइनस के 40. इसके बाद ये बनेगा माइनस के 25 अपॉन 2, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके प्लस के 25 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. नाउ दिस विल बिकम
25 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 10, उसके बाद प्लस 32 माइनस 40 एंड प्लस 25 अपॉन 2, जो कि बनेगा, आप देख सकते हैं कि 25 अपॉन 2 एंड 25 अपॉन 2, इसको आप सिंपली 25 लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 32 एंड 2 दैट विल बिकम 34 और इसके बाद माइनस के 50, ठीक है। और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए ये डाटा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 59 माइनस 50, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप सिंपली लिख सकते हैं 9। तो डेट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।